नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंचल पे। आज हम यहाँ पे बात करेंगे लेटेस्ट आईपीओ के अपडेट्स के बारे में। यहाँ पे कौन सा जीएमपी रहा, कितना यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रहा, इन सब के बारे में इन वीडियो के अंदर हम इन डिटेल के अंदर देखेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं वेस्टर्न कैरिज के बारे में। वेस्टर्न कैरिज का आज आईपीओ का फोर्थ डे था और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फिलहाल में इसका जो जीएमपी है वो 29.07%, यानी यहाँ पे हमें वापस से गिरावट देखने मिल रही है। 35% तक ये जीएमपी चला तक गया था और अभी फिलहाल में इसका जीएमपी 29% हमें देखने मिल रहा है। 172 रुपीज के ऊपर हमें 50 रुपीज फिलहाल में यहाँ पे जीएमपी देखने मिल रहा है। 13 सितंबर को आईपीओ ओपन हुआ था और आज इसका चौथा डे है। अगर सब्सक्रिप्शन की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 0.14 टाइम सब्सक्राइब हुआ है क्यूआईबी के अंदर। एनआईए के अंदर हमें 21.90 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने मिला। रिटेल के अंदर ये 19.60 टाइम सब्सक्राइब होते हुए हमें देखने मिल रहा है। टोटल सब्सक्रिप्शन की यहाँ पे बात करें तो 14.54 टाइम सब्सक्राइब भी अभी तक हो चुका है और अभी भी इसमें एक डे बचा हुआ है, यानी कल इसकी यहाँ पे हमें क्लोजिंग होते देखने मिलेगी। यानी आईपीओ टोटल यहाँ पे 5 दिन तक चालू रहा। ये आईपीओ फ्राइडे से स्टार्ट हुआ, फ्राइडे को, सैटरडे को, संडे को, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। वैसे देखने जाए तो ये टोटल एक हफ्ते तक ये आईपीओ चालू रहा, जिसके अंदर से 2 यहाँ पे हॉलीडे थे सैटरडे संडे के, उसके अलावा भी यहाँ पे 5 दिन ही आईपीओ में ओपन होते हुए देखने मिला। ऐसा बहुत कम होता है कि जनरली यहाँ पे 3 दिन ही आईपीओ स्टार्ट रहते, पर यहाँ पे 5 दिन हमें आईपीओ चालू होते हुए देखने मिला। तो यहाँ पे नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करें, नेक्स्ट आईपीओ यहाँ पे नॉर्दर्न आर्क के बारे में। नॉर्दर्न आर्क की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 70% का फिलहाल में जीएमपी देखने मिल रहा है, यानी काफ़ी अच्छा जीएमपी हमें नॉर्दर्न आर्क के अंदर देखने मिल रहा है। इससे पहले यहाँ पे 75% जीएमपी था, यहाँ पे थोड़ा सा हमें कमी आते हुए देखने मिल रही है जीएमपी के अंदर। मार्केट में थोड़ी सी गिरावट के बाद यहाँ पे 70% जीएमपी होते हुए देखने मिला। जीएमपी यहाँ पे हम देखें तो 263 के ऊपर 185 रुपीज़ प्रीमियम पे फिलहाल में ये अभी ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। ये आईपीओ 16 सितंबर से ओपन हुआ था और आज उसका थर्ड डे था। ये भी आईपीओ यहाँ पे 4 दिन ओपन होने वाला है और यहाँ पे क्यूआईबी हम देख सकते हैं थर्ड डे के एंड में 0.32 टाइम सब्सक्राइब होते देखने मिला। एनआईए के अंदर 52.79 टाइम्स और रिटेल के अंदर 19.84 टाइम्स और टोटल हमें यहाँ पे 21.40 टाइम्स सब्सक्राइब होते हुए देखने मिला नॉर्दर्न आर्क के बारे में। तो इसके बाद हम नेक्स्ट आईपीओ के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट आईपीओ यहाँ पे आर्केड है। आर्केड के अंदर हमें यहाँ पे जीएमपी में 66.41% का जीएमपी देखने मिल रहा है। यहाँ पे भी हल्की सी हमें गिरावट ही देखने मिल रही है। 68% का लास्ट टाइम जीएमपी था जो 66.41 हो चुका है। जीएमपी फिलहाल में 128 के ऊपर यहाँ पे 85 रुपीज़ प्रीमियम पे हमें ट्रेड करते हुए देखने मिलता है। यह आईपीओ भी 16 सितंबर से ओपन हुआ था और आज इसका थर्ड डे था और यहाँ पे क्यूआईबी में 0.65 टाइम सब्सक्राइब होते देखने मिला। एनआईए के अंदर में 62.37 टाइम सब्सक्राइब होते देखने मिला। रिटेल के अंदर ये 35 टाइम ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा टाइम में सब्सक्राइब होते देखने मिला और टोटल ये ऑलरेडी 31 टाइम तो ये ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है और कल अभी भी यहाँ पे लास्ट डेट है। यहाँ पे ये तीनों के तीनों आईपीओ के यहाँ पे कल लास्ट डेट रहने वाले, तो लास्ट डेट पे हम देखते हैं यहाँ पे इसको किस रीत का रिस्पॉन्स मिलता है, जीएमपी यहाँ पे कहाँ तक टच करता है। हम कल यहाँ पे और एक वीडियो बना देंगे जहाँ पे लेटेस्ट जीएमपी बता देंगे, क्योंकि कल यहाँ पे हमें सब्सक्रिप्शन क्लोज होते हुए देखने मिल रहा है। कल यहाँ पे अगर आप आसपास नेट बैंकिंग से भरते हो तो फिर आप 3 बजे तक आईपीओ भर देना, अगर आपको यहाँ पे आईपीओ भरने की इच्छा हो तो। और अगर आप यूपीआई से यहाँ पे आईपीओ भरते हो तो फिर आपको 5 बजे से पहले पहले यहाँ पे मैंडेट को भरना होगा, उसके बाद वहाँ पे मैंडेट भरने का कोई मतलब नहीं होगा। तो फिर आशा करते हैं आपको वीडियो से कुछ जानने मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।